अब इमाम को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं, आदाब को भी खिलाएं। चलो भाई हो गए सारे रास्ते बंद, अब आपने जाना है सेमीफाइनल में। एक रास्ता बहुत अच्छा है, एक रास्ता अभी भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी तक हिम्मत हार गए। एक रास्ता हमारे पास अभी भी है, वसीम अकरम ने बताया है कि आप जो है पहले बैटिंग करें, अल्लाह करे कि हम लोग टॉस जीत जाए, और आप पहले बैटिंग करके जितना भी स्कोर बनाना है आप जीत सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जितना भी स्कोर बनाना है आप लोग जीत सकते हैं, 200, 250, 300, इवन 150, 200, इवन आप 100 रन भी बना ले तो आप जीत सकते हैं। बैटिंग करें, फौरन एक बंदे को भेजें जो जाके फौरन से जो है वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम जो है वहां पे जाके लॉक कर दे, और इतनी देर तक लॉक करे कि 20 मिनट हो जाए। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है एंजेलो मैथ्यूज को जो अभी टाइम आउट दिया गया है बिना बॉल खेले और सब चीजें, आप लोगों को पता है सारा का सारा सिनेरियो, वही चीज हमें इंग्लैंड के साथ करनी है। और हर बंदे के हिसाब से आपने 2-2 मिनट निकालने, तो ये होगा आपके 20 मिनट। 20 मिनट तक हमने उनका जो है वो रूम लॉक करके रखना है किसी भी तरीके से, तो है वो उसको खुलने नहीं देना है। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान खुल के जो है वो सेमीफाइनल में आ सकती है, बहुत ज्यादा 90% चांसेस हो जाएंगे भाई। यही एक रास्ता रही है। इसके अलावा जो बातें हो रही हैं कि आप 287 रन से हरा दें इंग्लैंड को, आपने जो है इंग्लैंड ने जो भी टारगेट देना है 200-300 आपने 2.3 ओवर्स में, या फिर आपने 25 ओवर, या फिर आपने 25 बॉलों पे जो है उसे चेस करना है, मतलब ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान जो है अब उसका कोई भी रास्ता नहीं है। फाइनली जो है वो ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। आप मेरी एक बात आप लोग याद होगी, मुझे न्यूजीलैंड वाले मैच का इतना मसला नहीं था, मुझे था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत सकेगा भी नहीं है, जीत सकेगा वो तब देखी जाएगी कि तब सेमीफाइनल में आएगा नहीं आएगा। अभी तो यहाँ पे ये बातें हो रही है कि इतने रन से हराते, इतने रन से हराते, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो जीतेगा भी नहीं जीतेगा, क्योंकि उन्हें भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। और सुनने में ये आ रहा है कि श्रीलंका का जो मैच हुआ है अभी, श्रीलंका भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि उसके भी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत कम, 99% चांस यही कि श्रीलंका भी नहीं है, और उनको भी अब चैंपियंस ट्रॉफी उनके गले पर आई हुई है, तो वो भी अपनी पूरी जान मारेंगे। उनके लिए वो मैच ऐसा नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जो वो आपको प्लेट में रख के दे देंगे, उन्हें भी वो मैच जीतना उतना ही जरूरी। तो यहाँ पर अब ग्लेन मैक्सवेल वाली इनिंग की तरह कोई चमत्कार तो होने नहीं वाला, अगर सामान्य कोई 250-300 तो करने नहीं है अकेले खड़े होकर, और आपके पास वही एक प्लेयर है जो इस तरह से क्रिकेट खेल सकता है। बाकी आपके पास आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं अपने इस टीम के अंदर? और मैं तो कहता हूँ आज जो है ना, कल आप जो है इंग्लैंड के खिलाफ इमाम को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं, शादाब को भी खिलाएं, जिस जिसको आपको खिलाना है, जिस जिसको आपको खिला के दिली खुशी हो रही थी, दोस्ती आ रही है निभानी थी, वो अब इस मैच के अंदर आप लोग इसको जरूर लेकर आए। अब उनको दिखाएं ना लगे, अब क्यों छुपा रहे हैं उनको, अब तो आपने जो करना था कर लिया, आपने अपनी जिदें पूरी करनी थी, पाकिस्तान को लगाना था एक तरफ आपने लगा दिया, अब लेकर आओ अपने दोस्तों को, अब लेकर आओ इमाम से ओपनिंग कराओ, अब कराओ शादाब से, अब कराओ नवाज से स्ट्रेट स्पिनर से, अब कराओ बॉलिंग, अब इनको लेकर आना चाहिए सामने। समझा समझा के थक गए थे ये टीम सिलेक्शन, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की। जो टीम जो मैचेस हम लोग जीते हैं सिवाय साउथ अफ्रीका वाले मैच जिस तरह से फाइट की थी, उसके अलावा ऑल मैचेस बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान, नेदरलैंड से आप देख लें, नेदरलैंड वाली वीडियो भी उठा के देख लें मैंने क्या कहा था, जिस तरह से हम लोग जीते हैं इस तरह जीत बनती नहीं है पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान हो गया है आउट सेमीफाइनल से, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, कोई उम्मीद ना रखे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज़।